आज का ये महीना जो है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम बोल के डिक्लेयर हुआ है। ब्रेस्ट कैंसर ये फीमेल में सबसे अहम कैंसर बोल के जाना जाता है। सबसे पहला कैंसर जो है वो गर्भपिशवी का जो यूट्रस कैंसर बोलते हैं, दूसरा ब्रेस्ट कैंसर। ये दोनों ऑर्गन के कैंसर फीमेल में काफ़ी प्रिडोमिनेंस है। ब्रेस्ट कैंसर के हद तक अगर बात की जाए तो ब्रेस्ट कैंसर, ये कैंसर अगर किसी को होता है तो इसमें आज के तारीख में इतने अत्याधुनिक संशोधन और अत्याधुनिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है कि ये कैंसर अच्छे से क्योर हो सकता है और अच्छे से लंबा लाइफ आपको मिल सकता है। ब्रेस्ट कैंसर का जो जो मेन मुद्दे हैं उसमें एक है कि ब्रेस्ट कैंसर में कोई भी गांठ अगर स्तन में आती है या ब्रेस्ट में आती है तो उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि ये दूध की गांठ है, ये तो सादी गांठ है, इसको हमने पहले चेक किया था, ये तो पहले को मेरे 4-5 साल से गांठ है तो मुझे इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि कौन से भी गांठ अगर या गिठान जो ब्रेस्ट में है वो ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर के पास जाके उसका निदान या उसका पूरा इलाज आप करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ब्रेस्ट कैंसर अगर सादी भी गांठ होती है तो वो निकाल वेल लेना चाहिए या उसका निदान होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ये पता चलता है कि उसकी जब जांच पड़ताल हो जाती है तो उसके बाद में आगे पेशेंट को क्या होने वाला है। सादी ब्रेस्ट कैंसर की जो गांठ है उसके भी 4-5 टाइप्स होते हैं, उसके आगे से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इसको ये वापस आ सकती है नहीं आ सकती है। दूसरा, ब्रेस्ट कैंसर के डिटेक्शन के लिए मैमोग्राफी कैंप्स हम लोग कर रहे हैं, तो जो मैमोग्राफी कैंप यूनाइटेड सिग्मा ग्रुप में चल रहा है, बाहर जाके हम करते हैं। अभी डिजिटल मैमोग्राफी अवेलेबल है, अभी पोर्टेबल मैमोग्राफी अवेलेबल है। जो पोर्टेबल मैमोग्राफी का जो इक्विपमेंट है वो मोबाइल के ऊपर कनेक्ट होता है और उससे मोबाइल के ऊपर से रिपोर्ट हम पेरिफेरी में से सेंड कर सकते हैं। सिग्मा हेल्थ फाउंडेशन के माध्यम से कम 10,000 महिलाओं की जाँच की है, जिसमें से 25-1 लोगों को हमने कैंसर डिटेक्ट करके उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया है। तो ये जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस है, तो ब्रेस्ट कैंसर को कभी छुपा के रखना नहीं चाहिए। आज की तारीख में भी जो हम लोग देखते हैं अभी ट्रीटमेंट के हिसाब से कम हॉस्पिटल में हमारे कम से कम हफ्ते को 4 या 5 ब्रेस्ट कैंसर के ऑपरेशन होते हैं, तो महीने में कम से कम 20-25 ऑपरेशन ब्रेस्ट के होते हैं। लेकिन ये जो ऑपरेशन है इसमें कुछ लोग इसमें उतने ही पेशेंट Stage 3 या Stage 4 के होते हैं जहाँ ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये उनको मालूम नहीं होता है। तो कभी भी 25 साल के बाद बोलो, 30 साल के बाद बोलो, अपना ब्रेस्ट अवेयरनेस करके लेना चाहिए, मैमोग्राफी करना चाहिए, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए और अपना ब्रेस्ट पूर्ण ब्रेस्ट में कोई बीमारी नहीं है ये कन्फर्म करके लेना चाहिए। खास करके जो प्रेगनेंसी के बाद जो गठाने होती है, ये वो लेडीज़ को लगता है कि ये दूध की गांठ है या फिर ये सादी गांठ है, लेकिन उसके ऊपर पूरा अहम करते हुए डॉक्टर को बता के ही कन्फर्म करके आगे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। दूसरी बात ये है कि ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद में आजकल कॉन्जर्वेटिव ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हम लोग सिर्फ ब्रेस्ट की गांठ निकालते हैं, बगल की गांठ निकालते हैं और पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। तो ब्रेस्ट कॉन्जर्वेटिव सर्जरी इज़ टॉप लाइन नाउ बोले तो वो वही स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी है, वो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है। जिसको ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन पॉसिबल है उसको हम जरूर ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन करते हैं, लेकिन ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन करने के बाद में आपको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी लेना अनिवार्य है, क्योंकि बीमारी वापस न आए। दूसरा बात यह है कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बारे में जो ब्रेस्ट कैंसर के लोग हैं उनमें काफ़ी डर है, पर ये आजकल की जो कीमोथेरेपी है, नए नए ड्रग्स जो आए हैं, इसमें ना उल्टी होती है ना कोई वीकनेस आता है, कभी कभी ब्लड काउंट कम हो जाता है, लेकिन वो अपन दुरुस्त कर सकते हैं, उसको वापस ला सकते हैं। सो कीमोथेरेपी के बारे में बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और कॉन्फर्मल रेडियोथेरेपी जो नया रेडियोथेरेपी टेक्निक आया है वो सिर्फ बीमार पेशियों को ही रेडिएशन देता है, वो नॉर्मल पेशियों को इजा नहीं करता है। इसलिए बिल्कुल न डरते हुए अपन ये पूरा जो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट है वो लेना चाहिए। कीमोथेरेपी, रेडिएशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्टर ने बोला है वो कंप्लीट करना चाहिए, जो हिसाब से आपको 20-25 साल की ज़्यादा आपको उम्र मिल सके। सो अपना जो क्यूरेशन ट्रीटमेंट है, क्यूर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर 100% हो सकता है। आप जल्दी अगर ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट करेंगे तो सबसे अच्छे ट्रीटमेंट अभी औरंगाबाद शहर में या फिर उससे भी तालुका प्लेसेस में अवेलेबल है, और सब ड्रग्स है, नए जो ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी में आई है, कीमोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है,
ये सारे जो नए नए ड्रग्स आए हैं इसके वजह से क्योर ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इज पॉसिबल है, ये आप सब लोगों ने ध्यान रखना चाहिए। और ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस में और एक चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी महिला है वो महिला एक खुद ब्रांड एम्बेसडर है ब्रेस्ट कैंसर की, उसने खुद अपने 10 सहेलियों को या 25 सहेलियों को ये ज्ञान देना चाहिए कि अपना ब्रेस्ट कैंसर कैसा, इसको सेल्फ एग्जामिनेशन करे, कैसा डॉक्टर के पास जाके इसको डिटेक्ट कर ले या कैसा प्रिवेंटिव चेकअप कर ले। ये अगर आपने 25 लोगों को बोल दिया तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारा अच्छा नॉलेज स्प्रेड हो जाएगा। और हम डॉक्टर लोगों को जो हम कैंप्स करते रहते हैं उसमें भी आपको आपका हेल्प हो जाएगा की, और वो मैक्सिमम पब्लिक के पास ये नॉलेज जाएगा। और ब्रेस्ट कैंसर जब अर्ली डिटेक्ट होएगा तब वो पेशेंट को अपन अच्छी लाइफ दे सकेंगे। एक आधा पेशेंट जिसको नॉलेज नहीं है, जो विलेज में है, देहात में जो लोग रहते हैं उनको नॉलेज नहीं रहने से काफ़ी सारे ओल्ड एज के पेशेंट्स है जो घर में ही रहते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। तो हम लोग ऐसे पेशेंट के लिए भी घर जा जा के मैमोग्राफी का जो डिजिटल स्क्रीन है हमारा वो जाके सुविधा देते हैं, उनको घर में जाके उनकी जांच करते हैं और उसका रिपोर्ट मोबाइल से यहाँ लेते हैं और उसमें काफ़ी सारी हेल्प हो जाती है। और इसमें से मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 10 पेशेंट का भी अपन अच्छा लाइफ दे सके तो ये जो ब्रेस्ट अवेयरनेस का जो मंथ है ये पूरा कामयाब हो गया ऐसा मैं समझूंगा। और मेरे को सब महिलाओं से यही रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी सहेलियाँ हैं उनको आप ये नॉलेज दें, ये उनको बताएं कि ब्रेस्ट कैंसर का प्रिवेंशन कैसा कर सकते हैं। जो आप उनको जब बताएंगे, जब उन्होंने उनके सहेलियों को बताएंगे तो ये पूरा अवेयरनेस पूरी इंडिया में चला जाएगा और ब्रेस्ट कैंसर का जो परसेंटेज है वो काफ़ी कम आएगा और काफ़ी लोगों को अपन जो है वो क्योर की तरफ ले जा सकेंगे। और ब्रेस्ट कैंसर ये बिल्कुल डरने वाली चीज़ नहीं है, इसमें बहुत अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाइए, ट्रीटमेंट कराइए, ब्रेस्ट का प्रिवेंशन का टेस्ट कराइए और ब्रेस्ट कैंसर से जरूर मुक्ति पाइए। धन्यवाद सर। ये दिन ब दिन ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसका क्या रीज़न है और क्या इसका खान पान से होता है या फिर हेरिडिटी होती है? ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने के रीज़न एक तो ये एनवायरमेंटल चेंज, ये बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा हार्मोन की जो चेंजेस है महिलाओं में वो काफ़ी इसके ऊपर मायने रखता है। ईस्ट्रोजन जो रहता है उसमें 3 टाइप के ईस्ट्रोजन रहते हैं, जो बैड ईस्ट्रोजन जिसमें ज़्यादा होता है उसमें महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण होता है। दूसरा नली पैरस वुमन जिनको बच्चे नहीं है उसमें ईस्ट्रोजन का प्रमाण ज़्यादा होता है, उसमें भी ये हो सकता है। दूसरा 5-7% में ये हेरिडिटरी होता है, जिसको फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की वो जेनेटिक हिसाब से भी ये ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने की संभावना है और उसमें होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। और कुछ कुछ जो ब्रेस्ट कैंसर का जो बढ़ रहा है प्रमाण उसके लिए कोई कारण मिलता नहीं है, इसको हम इडियोपैथिक बोलते हैं। तो बगैर कारण मिले हुए भी काफ़ी लोग को ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन एक अगर ब्रेस्ट कैंसर फैमिली में हो गया तो जेनेटिक स्टडी है, स्क्रीनिंग है, क्लोज फैमिली लोग जो फीमेल्स है और क्लोज फैमिली लोग जो मेल्स भी है उन्होंने भी अपने पूरे कैंसर का प्रिवेंटिव चेकअप करके लेना चाहिए, जिससे अपन जल्दी कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं। सर महिला में जो ब्रेस्ट निकालते कैंसर होने के बाद निकालते हैं ऐसा उनका डर है, उसके वजह से अपना स्ट्रक्चर खराब होगा इसलिए वो बताती नहीं है और लास्ट स्टेज पे जाती है, ऐसे महिला को क्या संदेश देना चाहिए? मेरे ख्याल से ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पहले और दूसरे स्टेज में हैं तो ब्रेस्ट निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम लोग उसको जांच पड़ताल करते हैं और उसको हम सेक्टर मैस्टेक्टोमी विद एक्सिलरी क्लियरेंस जो बोलते हैं वो हम करते हैं, जिसमें हम बगल की गांठ निकालते हैं और वाइड लंपेक्टोमी करते हैं जिसका मार्जिन हम टेस्ट करते हैं। ये सब चीज़ पॉसिबल है, पर उसमें एक ही चीज़ है कि उसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, तो आपको कीमोथेरेपी और रेडिएशन लेना मस्ट है, क्योंकि आपको ब्रेस्ट बचाने से उसमें वापस बीमारी कहीं ना वापस आ जाए, वो हिसाब से आपको प्रिकॉशन लेना है। बाद में दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेट स्कैन अभी औरंगाबाद में काफ़ी जगह अवेलेबल है, हम पेट स्कैन करते हैं और ऑर्गन और ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट या कोई भी कैंसर का पेशेंट क्लियर हुआ कि नहीं ये पेट स्कैन से पता चलता है, वो भी करके देखते हैं तो पेशेंट क्लियर हुआ कि नहीं भी ये भी अपन डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट कैंसर को ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी ये बहुत अच्छी ट्रीटमेंट है, तो इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। आखिरी सवाल ये है, क्या महिला में या फैमिली में बहुत बड़ा डर रहता है कि भाई काफ़ी खर्चा आता है इसलिए वो बताती नहीं है, और ऐसे लोगों के लिए जीवनदायी योजना भी होती है महात्मा ज्योतिबा फुले होता है, ये लोगों को पता नहीं है, इसके बारे में आप क्या बताएं?
मैं तो सबसे बहुत आनंद से ये कहना चाहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट जो गवर्नमेंट की जो योजना है, महात्मा ज्योतिबा फुले जो योजना है, इसमें फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल है। आपका पूरा मैस्टेक्टोमी उसमें हो सकता है, आपका कीमोथेरेपी उसमें हो सकता है, आपका रेडिएशन उसमें हो सकता है, इसलिए पूरा का पूरा ट्रीटमेंट फ्री ऑफ चार्ज ब्रेस्ट कैंसर का, अगर आपके पास पीला केशरी कार्ड है और या वो योजना में आप फिट होते हो तो आराम से कर सकते हैं, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। सर, समाज में काफ़ी समाज सेवक है, तो ऐसे लोगों के आप क्या संदेश देंगे कि अपन सोशल काम के साथ में ये ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जो है महात्मा ज्योतिबा फुले अंतर्गत होता है, ऐसे बताने के लिए उनको क्या संदेश देना चाहिए? ये सब सोशल वर्कर्स लोगों ने, इनको ये मालूम होना चाहिए कि जो कैंसर अवेयरनेस है वो सिर्फ शहर में नहीं होना चाहिए, ये पूरे विलेज में जाके जा के करना ज़रूरी है, क्योंकि शहर के पेशेंट को तो भी थोड़ा सा मीडिया और इसके वजह से अवेयरनेस होता है, खेड़ों के पेशेंट को इसका कुछ मालूम नहीं होती है, तो अपने को थोड़ा मेहनत खेड़ों में लेना पड़ेगा, जहाँ से ये लोग घर में बैठे रहते हैं और बताते नहीं हैं, तो वो जो कैंसर वाले पेशेंट हैं उसको बाहर ला के ट्रीटमेंट करके ये करना ज़रूरी है। दूसरा, ये ट्रीटमेंट फ्री ऑफ चार्ज है, ये लोगों को बताना ज़रूरी है, इसके वजह से जो पैसे का डर है वो चला जाएगा और मैक्सिमम लोग ट्रीटमेंट के लिए आएंगे। तीसरी बात यह है कि इसका अवेयरनेस कंटिन्यू होना चाहिए, एक महीने के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन लाइफ टाइम अवेयरनेस होना चाहिए, और प्रिवेंटिव चेकअप सभी लोगों का होना चाहिए, जो इसके वजह से जो भी बीमारी है वो जल्दी पकड़ में आ जाती है और उसका ट्रीटमेंट जल्दी चालू हो जाता है, वो कैंसर हो या डायबिटीज़ हो या ब्लड प्रेशर हो या दूसरी कोई भी बीमारी हो जो जल्दी से जल्दी पकड़ में आ जाए। सर, सिग्मा ग्रुप का क्या अगला एम है, क्या ये जो कैंसर मुक्त हो भारत, कैंसर मुक्त, इसमें क्या सिग्मा ग्रुप करना चाहेगा? सिग्मा ग्रुप में हमारे तरफ इसके ट्रीटमेंट के दो विंग्स है, एक सिग्मा हेल्थ फाउंडेशन है जिसमें से हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप करते हैं, खेड़ों में जाते हैं और ये पूरा प्रसार करते हैं कि कैंसर जल्दी से जल्दी किसी को तो हो नहीं, प्रिवेंटिव हम नॉलेज देते हैं और अगर हो जाए तो जल्दी पहले स्टेज में उसको पकड़ा जाए और उसको ट्रीटमेंट किया जाए। जब ये काम हेल्थ फाउंडेशन से हो जाता है तो उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए हमारे पास सिग्मा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है, जहाँ पे हम ट्रीटमेंट करते हैं, जहाँ में बहुत सारी योजना है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, स्टेट गवर्नमेंट योजना है, महात्मा ज्योतिबा फुले योजना है, पंतप्रधान योजना में से हर कैंसर पेशेंट को 2 से 3 लाख रुपए की मदद की जाती है, तो ऐसे काफ़ी लोग हैं जहाँ से कैंसर का अगर बीमारी हो तो उनको डरना नहीं चाहिए, फाइनेंस की वजह से उन्होंने पीछे हटना नहीं चाहिए और डॉक्टर को बता के जो भी हम हेल्प कर सकते हैं उसका फ़ायदा लेके अपने को कैंसर मुक्त करना चाहिए। आरोग्य जागृति।